हेलो डियर्स, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे अपना ये फ़ोटो का बैकग्राउंड हटा जाए। तो कभी कभी क्या होता है, हम अपनी फ़ोटो की बैकग्राउंड जो है नहीं चाहते कहीं और बिठाने के लिए। तो इसके लिए प्ले स्टोर में एक बहुत आसान तरीके से एक ऐप है जो बैकग्राउंड इजर पर है। मैं अपना उसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड इजर ऐप में खुल गया, लोड है फोटो, आप देख रहे हैं। बहुत आसान सा तरीका है, आप इसमें क्लिक करके अब जिस फ़ोटो का बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं आप उसको गैलरी से ले लीजिए। जैसे मैं कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ, जैसे मैंने इस फ़ोटो को ले लिया, तो आप इसको अपनी छोटा भी कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ छोटा, तो आसान थोड़ा आसान होंगे उसका बैकग्राउंड हटाने के लिए। अब मैं इसको डन कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं फ़ोटो आ गया। तो यहाँ बहुत सारे मैजिक है, मैनुअल है, रिपेयर है। मैजिक में क्या होता है, इसमें आपको ऑटोमेटिकली पकड़ लेंगे इस तरह। आप इसको आसान तरीके से कर सकते हैं, इससे करने में बहुत आसान होता है। और मान लीजिए मैं मैनुअल ले रहा हूँ, तो उसमें सिर्फ अब जिसको खींचेंगे वही होता है। तो इसमें मैजिक सबसे बेस्ट होता है, इसमें आप साइज है वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो आप इस तरह इसको बहुत आसानी से, अगर मान लीजिए आपका कुछ कहीं अंदर हो गया, जैसे ये हो गया, तो आप इसको बैक कर सकते हैं इस तरह। तो आप इसको इस तरह आप देख रहे हैं कितना आसान तरीके से हो रहा है। जस्ट कुछ मिनट की बात है, हम ऐसे तो फ्री फायर में इसको हटा देते हैं, टाइम उतना फोटो बड़ा कर सकते हैं आप अपनी आसानी के लिए। अब देख रहे हैं ये बहुत मस्त ज़बरदस्त हो गया। अब इसको हम डन कर लेते हैं। तो अब इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ उसको काइन मास्टर में ले जाके कि कितना बेहतरीन हुआ है। तो आप देख रहे हैं इसको अपनी बैकग्राउंड म्यूजिक ले लें। इसके बाद आप देख रहे हैं तो मैं ले लिया इसको, अपना जो इजर फोटो इसको ले लेता हूँ। आप देख रहे हैं कितना बेहतर तरीके से इसको इजर किया गया है। तो इसको आप भी कर सकते हैं अपने मोबाइल में, बहुत आसान है।